ਜੀਜਾ ਹੋ ਗਏ ਆਂ ਉਹ ਭਾਈ ਚਾਰ ਹਸਣ ਆਪਣੋ ਹੁਮ ਉਜਤਾ ਦਿਓ ਜੋ ਜੋ ਮਿੱਤਰ ਹਨ ਉਹ ਤੁਨਿਉਂ ਜਿਆ ਭਾਈ ਪੱਕੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਨੂੰ ਗਏ ਕਿ ਗੋਜਮ ਹੈ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਗੋਜਾ ਕੋਡੇ ਲਈ ਰਹਾ ਮੈਂ ਬੇ ਲੋਗ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਬਿਨਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਂ ਭੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਖੇੜੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਭਾਈ ਤੋ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇਨ ਲੋਕੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਇਨ ਲੋਕੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਤਨਾ ਬਸ ਕੀ ਬਿਨਾ ਮਿਲੇ जिला पार्षद को मिलना कमाली आप हरियाणा में दूसरे नंबर पे जीते थे जिला पार्षद हवा कांग्रेस की है लेकिन ये अभी नेलो का दामन थाम रहे हैं तो उसकी वजह क्या है नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त विनोद शर्मा फिलहाल हम बाढ़ा में मौजूद है बाढ़ा बड़ा सीट रहा है बड़ी सुर्खियों में रहा है और यूँ कहा जाता है की बाढ़ा बड़े क्रांतिकारियों का इलाका है खास करके जब चुनाव होते हैं तो यहाँ पर लोगों की निगाहें पूरे हरियाणा की अटकलें लगी होती हैं फिलहाल हमारे साथ सुभाष लाडावास मौजूद हैं इनसे बात करेंगे यहाँ पर यूँ कहा जा रहा है कि हवा कांग्रेस की है लेकिन ये अभी नेलो का दामन थाम रहे हैं तो उसकी वजह क्या है और ये इतने वायरल हैं पीछे मैंने इनकी कुछ वीडियोस देखी वो इनकी सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हैं यहाँ पर कहा जाता है कि पब्लिक के साथ और आम आदमी के साथ जुड़ के रहते हैं अभी भी देसी तरीके से बैठे हैं मेरे पीछे आपको ये हरियाणवी में खुडी कही जाती है वैसे झोपड़ी कही जाती है और इंग्लिश में इसलो कोटेज और मेरे साथ देसी आदमी है तो फिर देसी सी बातें और देसी बैकग्राउंड है अपना सुभाष भाई बहुत बहुत स्वागत है भैया जी नमस्कार आपने विनोद शर्मा जी आप मिले बहुत जीरा जी राज्य मन ने भी आप हमने कई बार आपका चैनल चैनल देख लिया था फिर आज लिली छत्र में लाई दिए चलो बड़ी अच्छी बात है आगे मेरे को पता चला हालांकि पहले भी चर्चाओं में मैंने आपका नाम तो कई नेताओं के मुँह से सुना है आप हरियाणा में दूसरे नंबर पे जीते थे जिला पार्षद में आपकी मिसेज जो है नहीं परसेंटेज में पहले नंबर पे उन्नीस अच्छा? हजार कुछ फोलो हुए थे जिसमे बारह हजार वोट आए थे उन्नीस हजार में से बारह हजार वोट एक जिला पार्षद को मिलना कमाल की बात कमालगी शर्मा जी क्या जादू कोई बाबा जी से मंत्र ले रखा है है कोई है, कोई इसमें शर्मा जी बात यह है क्योंकि मैं जो गरीब और जो शरीफ परिवार है उन्होंने तो जुड़ जा मतलब मैं कन्ड आदमी नहीं है मैं न्यू कर लेकिन उन हांगा बहुत लगाया

अच्छे अच्छे दिन चली जाने तो अभी ने जो दुखी है ना उन लोगों का अपनी न्यू एहसास हो कि मतलब ये वही होगा ये जब खुद पर पेड़ है जब न्यू बेरा पहरा है रहे। मतलब आर्थिक रूप से कमजोर हो आदमी कितनों टूट जाए जो ये बेचारा गरीब है और सांध वाली रोटी भी नहीं से चलो वो तो भगवान किदायत है रोटी तो बच गई थी लेकिन और कुछ ना बच रहा था तो आना चाहिए दिन मैं न्यू मानना कि जो सबके माजू में न्यू मानना है कि मैं हम सबके महा उन न्यू कौन बेरो गरीब के गरीब के घर कैसे बेचारा क्यों कर रहे ना चलो लेकिन बिना पैसे के चुनाव कैसे लड़ लोगे चुनाव के लिए बहुत अथाह पैसा चाहिए बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं चुनाव में भाई भी, छोटो भाई बिना मैं एक बात बताऊं मेरा न्यू मान ली भाई पंद्रह से सोलह पाँच पाँच हज़ार रुपये नहीं फौजी हैं वो भाई अच्छा पंद्रह साल फौजी जो हैं आपको पाँच पाँच हज़ार रुपये पर मंथ देते हैं कुछ तो भाई है हाँ है भाई हैं अच्छा और और भी मित्रगण जो खेती-विक्रेम विचारावे भी, भी लगावण के गए और जिनका काम चल रहा बढ़िया काम चल रहा है वो भी न्यू के भाई तू पैसा तो मतलब न्यू समस्या ना मानी पैसा लगा दिया तू तेरो काम जारी रख तू इतना कौन सा मीठा शहद ले रहे हो साथ में की सारे लोग यार एक पैसा नहीं देता मैं बाहर निकल के किसी मांग लूं कोई किसी को कह दूं यार 10 रुपए की चीज खानी है खिला दे एक विनोद भाई तुम्हें एक बात बताऊं शर्मा जी आपने पत्रकारिता का ज्ञान है वो मन ना कोनी वो जमन ना ज्ञान है ਹੂੰ ਉਹ ਸਾਇਦ ਆਪ ਮੁਕੱਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਗਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਪਨੇ ਮਨੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੋ ਬਈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਲੇ ਕਰੇ ਜਬ ਅਭੀ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ ਹੂੰ ਔਰ ਆਪ ਮਤ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਭੀ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਲੰਬੋ ਚਲਾਉਣ ਖਾਤਰ ਨਾ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨੋਂ ਪੜੇ ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਚਲਦਾ ਹੋ ਜੋ ਆਦਮੀ ਜੁਕ ਕੇ ਚਲਦਾ ਹੋ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ तो क्या कुछ माहौल लग रहा है बालडा में मैंने एक आपकी वो वीडियो देखी थी मेरे को बड़ी अच्छी लगी आपकी दो तीन वीडियो देखी तो मैंने सोचा आज सुभाष लाडावास को पकड़ लेता हूँ आज कैमरे पे लोगों को दिखाता हूँ ये बहुत अच्छा भाई मुझे अच्छा लगा तो शायद आपको भी अच्छा लगा कि वीडियो भी आपको दिखा दूंगा बालडा में टिकट की लड़ाई चल रही है और सबसे पहले टिकट आपको मिल गया आपने ले ली बालडा की टिकट जी

ਮੈਂ ਲੋਬੇ ਤੜਕੇ 12:00 ਵਜੇ ਬਸਾਂ ਸਾਢੇ ਚਲੂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗੋਮਨ ਬੇਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨ ਬੀ ਬਸਮਤ ਟਿਕਟ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਾਗੜੋ ਲਈ ਬੈਠੇ ਬਾੜ ਤਾਣਾ ਥਾਏ ਟਿਕਟ ਲਈ ਮਨ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਗੇਦੀ ਫੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲਿਆ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੂੰ ਤੇ ਉਸ ਖਾਤਰ ਬਣਾਈ تھی ਬਾਤ ਤਾਂ ਪਿੰਚ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪਿੰਚ ਕੋ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਊ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ ਬਚਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਗਾ ਉਸ ਬਾਤ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰਦੀ वो भी खुश और भी खुश मैं भी खुश तो इन लोग की टिकट भी मिल जाएगी खाली बस की मिली है फिर हाँ यह बहुत बढ़िया बात जी। वो जी देखो इनरे लो के दो तीन दावेदार हैं वो बड्डा हैं हाँ अपना उनका प्यार प्रेम होगा तो वह दीवाऊंगी तो मिल जाएगी नहीं तो अपने चौधरी अभय सिंह चौटाला जबान के पक्के हैं अपन मतलब अच्छा नेता लगे तो अपना जुड़ा हुआ चौधरी अभय सिंह चौटाला अच्छा सुभाष भाई मैं है ना ज़्यादा घुमा के बात नहीं करता और आप भी देसी आदमी हो हरियाणा में यूँ कहा जा रहा है कि कांग्रेस मजबूत हो रही है कांग्रेस के लिए लाइन में लगे हैं और आपके बारे में भी मैंने सुना है कि लगभग चालीस लोगों ने नॉमिनेशन किया है कांग्रेस की टिकट मांगी है चारीश चारीश लोगों ने आप दूसरी गाड़ी में कैसे चढ़ लिए कांग्रेस में भी जा सकते थे जिस तरह आप इन दादरी जाना हो और अड्डे पर बहुत ज्यादा भीड़ हो रही एक बस आ जाए तो उसमें लटक की दादरी जाना है न मतलब मानो अपना आपने मारना है क्योंकि जब लटक के जाओगे तो हाथ दुखने ना जाए हाथ छूट जाएंगे तो मतलब अभी तो मरण खातर चल जाए दादरी खातर घोन गया अभी उस बस का है उस बस का तो अभी न्यू लटका भाई मरणस तो ये वो काम हो रहा है अच्छा हाँ छियासठ है कोई बहत्तर बता दे कोई तैतालीस बता दे हुँ. इतने उम्मीदवार अभी बेचारा सारा खर्चो लगाने लगा रहे हैं और जितना टिकट नहीं मिलेगी तो जाति नहीं होगी जो उल्ढा साहब जाति तो करेगा तो आपको लग रहा है कि हुडा साहब उनको कह रहे हैं कि तुम टिकट की तैयारी करो टिकट मैं दूंगा मतलब एक दो जो मित्र हैं ना तो न्यू लिया भाई पक्की को नहीं लेकिन सब न्यू गए है भाई अपना अच्छा गोजिया कोड्डे के ले रहे बेलो को आते हैं अपन टिकट देखेड़ी को नहीं कोडे की टिकट हो जम्प लेकिन यूं कहा जाता है जैसे आपने बस वाली बात कही जहाँ भीड़ होती है वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ मक्खियाँ वहीं होती हैं जहाँ शहद होता है जहाँ मीठापन होता है कांग्रेस जीतती नजर आ रही तभी तो ज़्यादा होगा वहां पर और आपने शायद मिस्टेक कर दी इन्हें लोग जेजेपी को तो कहीं बड़ा कमजोर मान रहे हैं लोग आप उसकी उस, उस बस की सवारी की टिकट भाई शर्मा जी आप मेरा एक अलग विचार है मैं आपने को नहीं कई भाइयों ने पूछी भाई एक बार फिर सोच ले लेकिन वो अपना भाई साहब जो आप इन्हें जान भाई देखो मन ठीक लग लगा ठीक से क्योंकि इतना घमासन बस रही भूपेंद्र हुडा भूपेंद्र हुडा हो रही से हमारा हल्का इतना आत्मात इतना साफ से हो गल भूल जाए जब यो अपने दादरी का जो रोड लाग गया था शुरू हुआ था वो टूटिया पड़ा था इन्हें वाला आपका याद ही होगा किया बुरा हालात था और फिर दूसरी बात है जब की कोई बात करें तो ये जो टिकटी है स, मतलब इनमें दस पंद्रह टिकट थी तो अच्छा दिन का व्यू था वो चाल रहे है। हैं लेकिन और बेचारा दे भाई ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਰਕਿੰਗ ਉੱਪਰ ਦਾਨ ਬਣਾ ਜੀ ਉਰਕ ਬਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਖਰਚੋ ਕਿਉਂ ਲਗਵਾਸ ਹੂੰ ਮਤਲਬ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਸਨਮਾਨ ਕੀਆ ਜੋ ਬਤਸ ਹੈ ਹੂੰ ਤੇ ਵ ਇਹ ਬਾਪੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਜਾ ਬਾਈ ਨਾ ਇਹ ਠੀਕ ਸੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਚੱਲ ਜੈ ਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਜਿੱਤ ਜਾਈਗੀ ਮਨੀਤ ਸਾਹਿਬ ਬੇਸਿਕ ਕਾਂਗਰਸ ਮੋ ਹੂ ਸੇ ਤੁਮੇ ਕਾ ਕਤਹਾਵਾ ਕਬਾਈ ਕਿ ਕਤਹਾਵ ਲਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇ ਦਿੱਕਤ ਉਤਰ ਕਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋ ਹੋਏਗੀ ਦੇਖੋ ਹੂੰ तो यहाँ पे क्या माहौल लग रहा है आपको कांग्रेस जीतेगी या फिर आप जैसे टिकट ले रहे हो तो आपको लग रहा है कि आप जैसे देखो देसी आदमी आ गए या फिर लोगों से जुड़े आदमी आ गए तो इन एल ओ भी जीत देखो जीज़े मैं तो एक धन्यवाद करूँ चौधरी बय सिंह चौटाला को और बहन मायावती जी को कि उनने गठबंधन कर लिया क्योंकि किसान मजदूर की पार्टी है इन एल ओ है और किसान मजदूर की ये बहन मायावती बी एस पी है तो इनका जो गठबंधन हो है नहीं बहुत अच्छा आया जो सोच समझ के जो फैसला लिया है वो तो बढ़िया फैसला मैं भी उन पर इस हूँ क्योंकि मैं भी किसान मजदूर ना उसू और किसान भी मजदूर और मजदूर तो मजदूर हो भाई बेचारो तो सुभाष लाडावास को अगर टिकट मिल गई बस वाली तो मिल गई लेकिन अगर टिकट आपको की मिल गई बस बाकी जो कॉमन है ये मिल गई तो जीत जाओगे यहाँ से वो भाईचारा है ना अपनों वो जिता दोग इतना इतना दृढ़ विश्वास मेरे कहना यूँ मानो ये जो मतलब नेता हैं जो अपने ਵੀ ਬਈ ਕਿਸਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਆਪ ਕਿਸਾ ਨਾਮ ਗੋਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3000 ਕਾਸੇ ਪਾਸੇ ਕਸੂਤਾ ਬਾਈ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਾ ਕਰ ਚੱਲੇਗਾ ਮੈਂ ਨਾ ਉਠੂਂਗੀ ਕਿ ਨਾ ਦੂਸਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੀਂਗਾ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਖਾਤਰ ਹੂੰ ਤੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤਾ ਤਾਕਤ ਕਦੇ ਦਿਖਾਓ ਤੋ ਜਨਤਾ ਕੋ ਨੇਤਾਉ ਕੋ ਕਦੇ ਦਿਖਾਈਏ ਫਿਰ ਜੀਬ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋ ਪਹਿਲੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਭ ਕਮਚਾ ਲਿਆ ਥਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਕਾਲ ਫਰਵਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸੁਚਨਤਾ ਤਰਕਿੰਗ ਕਰਬ ਜੀ ਖੋਲਦਾ ਹੂੰ

तो अब देखा मैंने कई जगह पोस्टर आप सत्रह को ताकत जो करे हो अपनी सत्रह मैं नहीं मेरा भाईचारा क्या कुछ कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है ये अपने बर्ड अनाज मंडी में प्रोग्राम है अच्छा भाईचारा मिलन समारोह हमारे जो बीएसपी के साथी और इन लोगों के साथी वो वो नेतागण सब आएंगे चलो भाई ये थे सुभाष लाडावास मेरा मन किया तो आपको स्क्रीन पर दिखा दिया अब आप लोग तय करेंगे कि बाढ़ड़ा में क्या हाल है बारडा हकीकत में वो बड़ा समंदर बन चुका है जहाँ पर टिकटों के लिए मारामारी है और शिप होते हैं ना पानी वाले पानी के जहाज़ वो इतने भर गए हैं यूँ मानो कि समंदर दिखाई नहीं पड़ रहा है इतने सारे नेता हैं यहाँ अभी भी कोई नेता आ ही रहा है उसके भी डीजे बज रहे हैं उसके भी स्पीकर बज रहे हैं लाउड स्पीकर लेकिन यहाँ पर जनता किसको चुनेगी ये बड़ा सवाल है क्योंकि यहाँ पर बाहरी नेता बहुत सारे आके बन के चले जाते हैं बहुत सारे नेता ऐसे हैं चुनाव लड़ते रहे हैं आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा जनता क्या करेगी वो सारी बातें और सुभाष लाडावास जो कोशिश कर रहा है इसकी कोशिश कितनी पूरी होगी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप पर छोड़ता हूँ कमेंट में लिख दो इस वीडियो को शेयर कर दो तब तक के लिए धन्यवाद राम राम जय हिंद